अभी के YouTube चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड में और मैं हूं रवि रंजन और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन टेक वर्ल्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं कि ऑनलाइन स्टोर Shopify पे ही क्यों बनाए, WordPress पे क्यों नहीं होना चाहिए, और भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वहां पर क्यों नहीं होना चाहिए। अगर देखा जाए तो Shopify पे आपको जो है बैकएंड करने की जरूरत नहीं होती है, बैकएंड पे आपका वेबसाइट के सर्वर को मैनेज करना, फिशिंग अटैक्स से बचाना और भी वायरस वगैरह होते हैं इन सब से बचाना, ये सारा का सारा काम जो है वो Shopify का होता है, लेकिन वो फ्री नहीं होता है। जिस टाइप का वेबसाइट है आपका, जितना उस पे ट्रैफिक आता है उस हिसाब से आपको Shopify के प्लान्स को लेने पड़ते हैं, जो कि मिनिमम आई थिंक 2500 के आसपास का प्लान है, 2500-2800 के आसपास का प्लान है, जो कि पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा, जस्ट लाइक एक रेंट आपको पे करना पड़ेगा। आप उनका सर्वर और उनके सर्विसेज को यूज करते हैं तो वो आपको पे करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस एप्स वगैरह के भी पेमेंट आपको Shopify के थ्रू ही करना पड़ेगा। अब ऐप क्या होते हैं काफी सारे आप लोगों को नहीं पता होगा, तो एक वेबसाइट को बनाने के लिए काफी सारे इंटरनल ऐप की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ फ्री होते हैं कुछ पेड होते हैं, तो जो पेड होते हैं उसके भी पेमेंट जो है वो Shopify के थ्रू ही हमें करनी होती है। तो मोर और लेस जो है 3000 से 4000 के बीच में एक नॉर्मल वेबसाइट के पर मंथ का खर्चा जो है वो हमें Shopify को पे करना होता है। तो ये तो Shopify की हुई। आप बोलोगे कि बहुत महंगा है, एक वेबसाइट को मैनेज करने के लिए मुझे 3000-3500 रुपये पर मंथ खर्च करने पड़ेंगे। बात आपकी सही है, लेकिन इसके एवज में जो Shopify आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, आपके वेबसाइट को बचाता है, आपके वेबसाइट पे किसी टाइप के फ्रॉड ना हो उसको उससे आपको बचाता है, आपके वेबसाइट के कंटेंट को बचा के रखता है। अगर आप एक ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको बैक एंड में करनी पड़ती है, उन सब की सेफ्टी सिक्योरिटी Shopify आपको प्रोवाइड कर रहा है। एक मिनिमम अमाउंट एवरी मंथ वो आपसे चार्ज करता है इसके। लेकिन अगर आप किसी अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना वेबसाइट बनाते हो तो एक तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, मैन्युअली आपको सब कुछ करना पड़ेगा, चाहे आप वर्डप्रेस पे बनाओ या किसी अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बनाओ, बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनियां उस पे बनाती है क्योंकि उनका बजट काफ़ी हाई होता है, उनके पास प्रॉपर डेवलपर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के डेवलपर्स होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, तो वो मैनुअली हर चीज़ कर सकती है। लेकिन आप बिजनेस करोगे या आप मैनुअली वेबसाइट को डेली मैनेज करते बैठोगे, नहीं कर सकते ना, उसके लिए फिर आपको थर्ड पार्टी को हायर करना पड़ेगा जो आपके वेबसाइट को मेंटेन करेगा। अगर आप वर्डप्रेस या किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे अपना वेबसाइट खुद से भी बना लेते हो तो उसको डे टू डे चेक करने के लिए, डे टू डे अपडेट करने के लिए, डे टू डे मैनेज करने के लिए, बैकएंड का जो मैनेजमेंट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए, आपके वेबसाइट को सेफ रखने के लिए, कोई वायरस अटैक नहीं कर रहा है, इन सब को देखने के लिए आपको किसी थर्ड पार्टी को या किसी थर्ड एजेंसी को हायर करना पड़ेगा, ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे। और साथ में ऐसा नहीं है कि आपको Shopify पे जो ऐप है उसके पैसे ही सिर्फ Shopify वाले ले रहे हैं और अदर नहीं लेंगे, अदर फ्री में आपको ऐप्स प्रोवाइड करेंगे, नहीं। अगर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पे या वर्डप्रेस पे ही अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हो तो वहां पे थर्ड पार्टी ऐप्स है जिसको आपको यूज करना पड़ेगा कॉमर्स वगैरह के लिए, वो ज्यादा कॉस्टली आपको पड़ता है ईयरली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे आपको लगेगा यार ये तो Shopify ज्यादा महंगा है, बट ईयरली बेसिस पे ओवरऑल अगर आप एक वेबसाइट मैनेज करते हो, मेंटेन करते हो, तो आपको पता होगा कि ओवरऑल कितना खर्च आपको हिडन खर्च जो है वो पे करने पड़ते हैं। तो अगर आप अपना स्टोर बनाना चाहते हो, चाहे आप ग्रोसरी स्टोर बनाना चाहते हो, चाहे आप वेजिटेबल स्टोर बनाना चाहते हो, मेडिकल स्टोर बनाना चाहते हो, या फिर कोई एक टेक अवे या फिर रेस्टोरेंट या किसी भी टाइप का रिटेल स्टोर के लिए अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हो अपने लिए, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप Shopify के साथ जाओ। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ ड्रॉप शिपिंग के लिए ही Shopify बेस्ट होता है, ये एक मिथ है, ड्रॉप शिपिंग के लिए नहीं, मेरे खुद के भी वेबसाइट चलते हैं,
Shopify के थ्रू, और अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिलता है, कभी वेबसाइट लैग नहीं करता, कभी सर्वर डाउन नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो देखना पड़ता है। तो आप Shopify के साथ अपना एक रिटेल स्टोर स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन रिटेल स्टोर। आपको सिर्फ बिजनेस के बारे में सोचना होगा, आपको अपने वेबसाइट के मेंटेनेंस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप Shopify के साथ जाते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके साइन अप कर सकते हो। या फिर आपको अपने वेबसाइट को डेवलप कराने में अगर किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं कमेंट के थ्रू भी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलता हूँ किसी नए टॉपिक पे किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। जय हिंद, नमस्ते।